देहरादून परेड ग्राउंड के निकट धरना स्थल को हटाए जाने पर राज्य आंदोलनकारी मनोज ध्यानी ने विरोध जताया है। मनोज ध्यानी ने बताया कि जिस तरह से बिना अनुमति के जेसीबी लगाकर हमारे टेंट को उखाड़ दिया गया और धरना स्थल ध्वस्त कर दिया गया, यह बड़ा ही निंदनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि रात को कार्यवाही करने के बाद उन्हें कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण के बावजूद नए धरना स्थल पर कूड़े के ढेर पर भेज दिया गया है। सर हुआ 4:30 बजे, उसके बाद रात को 1:30 बजे उसी रात को जेसीबी रात में आती है, पूरा खुर्द बुर्द करती है। 10 तारीख को स्मार्ट सिटी के होल्डिंग्स वहाँ लगा दिए जाते हैं और अभी आलम इस तरीके का है कि उसके बाद कल जिस तरीके से बड़े जेसीबी लगाकर एक एक टेंट उखाड़े गए, आंदोलनकारियों के ध्वस्त किए गए, ये प्रशासन ने आखिर अपने नोटिस का भी क्यों अनुपालन नहीं किया? उन्होंने रात को जेसीबी क्यों लगाई? वो जेसीबी कौन सी थी, वो किसी भी की नहीं, उसके परमिशन ऑर्डर्स किसने दिए, प्रॉपर टाइम क्यों नहीं दिया गया हमारे लीगल रेमेडीज़ के लिए? जब कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैल रहा है तो ऐसे में आप हमें कूड़ा घर पर कैसे भेज सकते हैं? तो ये और आपने वो जो उस धरना स्थल को आपने प्रॉपर ढंग से बेसिक एमिनिटी सैनिटरी सर्विसेज टॉयलेटरी इसके लिए विकसित क्यों नहीं किया सही तरीके से? तो हालात जो हैं बिल्कुल निरंकुश हो रखे हैं और हम वहाँ आ रहे हैं जहाँ से हमने उत्तराखंड राज्य